इस इंटरफेस में सबसे पहले हम फाइल पर जाएंगे, ओपन क्लिक करेंगे। ओपन क्लिक करने के बाद आपको अपनी लोकेशन ढूंढनी है जहां पर आपने ऑडियो फाइल सेव कर रखी है। मान लीजिए आपकी फाइल सेव है, मेरी ओपन थी, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा था कि आपको अपनी लोकेशन से ये फाइल कैसे ढूंढनी है। मान लीजिए ये मेरा एग्जाम्पल है ऑडियो फाइल का, जिसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए, अब आप इसके इसमें देख सकते हैं कि ये आपकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी वो इसमें आ गई है। आप इसे प्ले करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाकर कम कर सकते हैं। अब मैं इसे स्टॉप करता हूँ। आप यहाँ से बैकवर्ड फॉरवर्ड जा सकते हैं, लास्ट में जा सकते हैं, एंड में, और शुरुआत में आप इसमें जा सकते हैं इन बटन्स पे क्लिक करके। अब आप चाहते हैं कि इसको एडिट करना, एडिट करना मीन्स आप चाहते हैं कि इसमें से कुछ आपका जो पोर्शन है वो आप कट कर सकें, तो इसके पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी फाइल को सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करते हैं हम कोई भी चीज, हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए कंट्रोल ए, इसका इसका बहुत बेसिक वो है कि कंट्रोल ए अगर आप करते हैं तो वो चीज पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाती है। तो अब आप इसे एडिट करना चाहते हैं, तो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, एडिट करना है, सिलेक्शन आपने किया है, कंट्रोल ए, कितना पोर्शन आपको कट करना है, कहाँ पे कट करना है, वो आप इस तरीके से ड्रैग करते जाइए। जो पोर्शन आपको कट करना है उसे छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपको इतना कट करना है, ये बीच का पोर्शन आपको एडिट करना है, यहां से कट करना है, तो आप क्या करेंगे, इतना आपने सिलेक्शन किया, एडिट में गए, आपने क्या किया, इसको कट किया, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जितना पोर्शन आपका अनसेलेक्टेड था वो क्या हो गया है, इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से हट गया है। यानी जो पोर्शन, जितना भी पोर्शन आप डिलीट करना चाहते हैं, पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल ए करके फाइल को सेलेक्ट करना है, जिस पोर्शन को एडिट करना चाहते हैं, जिस पोर्शन को कट करना चाहते हैं उसे अनसेलेक्टेड रखिएगा और एडिट में जाके उसे कट कर दीजिए, तो वो आपकी की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी वो क्या हो गई है, एडिट हो गई है। अब आप इसे दोबारा से प्ले कर लीजिए, जो बीच का पोर्शन है वो गायब हो जाएगा, जहां से भी सुनना चाहते हैं। इस तरीके से आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ आप अपने आप का कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर सकें, वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकें, तो कैसे करेंगे, यहां से आप जाएंगे रिकॉर्डिंग पर, रिकॉर्डिंग क्लिक करेंगे। अब आप, मैं जो भी बोल रहा हूं वो यहाँ पर रिकॉर्ड होता जा रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ऑडियो सिटी का यूज कैसे करना है, कैसे इसके इंटरफेस को समझना है, कैसे आपको एडिटिंग करनी है, ये सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो रही हैं। जो भी लेक्चर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं इस तरीके से यहाँ पर जाकर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टॉप कर दीजिए, आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। अब आप इसे सुनना चाहते हैं तो प्ले कर दीजिए, जहां से सुनना चाह रहे थे। ये देखिए, ये म्यूजिक भी आपकी रिकॉर्डिंग में ऐड हो गया है और आपका लेक्चर म्यूजिक के साथ स्टार्ट होगा। यहां तक आपने म्यूजिक दिया है, उसके बाद आपने जो रिकॉर्डिंग की थी वो शुरू हो गई। आपको सुनाई दे रहा है जो मैंने मैंने बोला था वो इसमें सारा रिकॉर्ड हो गया है। तो इस तरीके से आप ऑडियो सिटी के
की रिकॉर्डिंग का यूज कर सकते हैं इसके सारे मतलब आप इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अपने ऑडियो जो आपने रिकॉर्ड किया है, कहीं पर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो उतना पोर्शन आप डिलीट भी कर सकते हैं।